पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ है एक ऐसा चेहरा जिसको आप जिस भी मीडियम पे देखते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, आप पसंद करते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर यही चाहते हैं कि यार ये और काम करते रहे। बात कर रही हूँ अबाउट द हैंडसम एंड टैलेंटेड तरुण जुरवारी, जो इस वक्त हमारे साथ में है, और उनसे ढेर सारी बातें हम उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में करेंगे। बट मैं हमारी टीम की तरफ से आपके न्यू फेज ऑफ योर लाइफ के लिए पहले कंग्रेचुलेट कर दूं तरुण। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने इतना बेहतरीन, इतना लाजवाब फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन दिया है मुझे, जैसे कि आप हमेशा से देते आए हो। सो थैंक यू वेरी मच निधि, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस इंटरव्यू मेरे साथ। जी माय प्लेजर तनुज, ऑलवेज टॉकिंग टू यू, बड़ा मजा आता है। हम जी काम में कहाँ कहाँ आपको देखने वाले? काम में, वेल 2024 में मेरे कई सारे वेब सीरीज भी है और फिल्म्स भी है। जैसे कि आप जानते हो, आई हैव नॉट बीन डूइंग फिल्म्स इन द लास्ट 3-4 ईयर्स, बट वो अभी चेंज होने वाला है। राइट, मेरी पहली धर्मा की पिक्चर आने वाली है, योद्धा करके। उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना, दिशा पटनी और मैं हूँ। ये मार्च 15 को रिलीज होने वाली है। उसके बाद के मैनन के साथ एक शो है, मुर्शिद करके, बाप बेटी की कहानी है, मुंबई में ही सेट है। एक फिल्म है, वेब फिल्म है, जॉनी जंपर करके, विजय राज, बृजिंदर कालराज, जाकिर हुसैन, ओके, जरीना वहाब के साथ, जिसमें मैं हूँ जॉनी जंपर। आई एम नॉट डन अ रोम कॉम इन वेरी लॉन्ग, इसलिए मैंने एक फिल्म करी है, बहुत बहुत एक छोटी सी प्यारी फिल्म है, इट्स कॉल्ड पपी लव। उसमें दिव्या अग्रवाल, निकी तांबोली और त्रिदा चौधरी भी है मेरे साथ। तो इट्स लाइक पूरा यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ रोल फॉर मी। और एंड फिलहाल मैं एक अपलॉस के शो में काम कर रहा हूँ राहुल देव के साथ। तो मैं जी वही बोल रही थी, इतना वेरिड काम है जितने अलग अलग आपने बताए, टच वुड टू दैट पहले तो। पर क्या अच्छा, आपका जो कैरेक्टर है या जो किरदार प्ले कर रहे हो वो भी उतने वेरिड है? सी यू नो क्या बात यह है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मेरे शो में या फिल्म में कितने सारे सीन्स हैं, या मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जिन सीन्स में मैं हूँ उसके दौरान व्हाट इज चेंजिंग इन द लार्जर स्टोरी। चाहे यू राइट, नो कई बार, फॉर एग्जाम्पल, पिछली बार जब हमारी हमारी बात हुई थी तो हम कोडम के प्रमोशंस को लेकर बात कर रहे थे। वो जेनिफर का शो है, आई मीन वो सबको पता है, बट आई हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई जस्ट फील सॉरी भैया, आई जस्ट फील कि अगर आपका कैरेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करता है लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स की ओर, तो आपको ऐसी फिल्मों में, आपको ऐसे शोज में काम करना चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ डे मुझे अच्छे टेक्नीशियंस, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे एक्टर्स के साथ काम करना है, बिकॉज जब आप अपने से बेहतर लोग के साथ काम करते हो देन ऑटोमेटिकली सबवर्डनली आपका भी जो गेम है ना वो रेज हो ही जाता है। यू हैव टू परफॉर्म ऑन दैट लेवल यू नो। और राइट, इनसाइड एज जब रिलीज हुआ था 2017 में, तो उसके बाद मुझे जिस किस्म के रोल्स मिलने लगे, इट वाज दैट सेम यू नो अय्याश, बैड बॉय, यू नो वेरी वायु राघवन सॉर्ट ऑफ रोल्स। तो मैंने तभी फैसला किया था दैट आई विल नॉट रिपीट माई सेल्फ, क्योंकि अगर मैं अपने आप को रिपीट करता रहूंगा तो मैं सब सोचेंगे कि मैं सिर्फ एक टाइप का एक्टिंग कर सकता हूँ। सो आई ट्राई टू मिक्स थिंग्स अप एंड मैं सच में बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने जानबूझ के डिसाइड किया था कि मुझे बड़े पर्दे पर नहीं आना है, मुझे फिल्मों में काम नहीं करना है। जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज मैं ढूंढ रहा था, ऐसे अपॉर्चुनिटीज मुझे नहीं मिल रहे थे। सो आई मेड द मोस्ट ऑफ व्हाट ओटीटी स्पेस हैज हैड टू ऑफर, बट गॉड विलिंग राइट, 2024 में आई विल चेंज दैट। यू नो किसी भी एक्टर के लिए एक काफी बड़ी चीज होती है कि वो एक धर्मा फिल्म का हिस्सा बने, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट योद्धा। जी एंड सो आर वी आर। मैं एक्चुअली वही अपना पुराना इंटरव्यू रिकॉल कर रही थी, तो उसमें आपने यही कहा था कि ऐसा नहीं है कि फिल्म्स के बाद मैं अब ओटीटी पे चला गया एंड आई विल नॉट गो बैक। एंड आई रियली फील यू वन ऑफ दोज एक्टर्स तरुण, जो कि बड़ा सीमलेसली ट्रांजिशन कर सकते हो यार अक्रॉस मीडियम्स। एंड हमें नहीं लगता कि अच्छा ये टीवी का बंदा, अब इसको हमने फिल्मों में देखा, अब हम इसे जी ओटीटी में देखे, जी ओ वाओ ही इज बैक ऑन फिल्म। सी सो एट द एंड ऑफ द डे ब्यूटीफुली ना, ट्रांजिशन। हाँ नो, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप मीडियम को छोड़ोगे और आप बस डिसाइड करोगे, खुद से कहोगे कि यार मुझे कन्विंसिंगली दिल से जेन्युइन एक्टिंग करनी है, इट डज नॉट मैटर चाहे मैं स्टेज पर हूँ, चाहे मैं टेलीविजन पर हूँ, चाहे मैं वेब पर हूँ, छोटे पर्दे पर हूँ, चाहे मैं बड़े पर्दे पर फिल्म में हूँ। इफ यू आर कमिटेड कि यार मुझे इस कैरेक्टर को निभाना है और इससे इसमें जान ले आना है, दैट इज ऑल आई एम कंसर्न अबाउट। तो आई डोंट केयर कि अच्छा मैं जब मैं घर से निकलता हूँ शूट के लिए, मैं ये नहीं सोचता कि अरे आज मैं वेब सीरीज में काम कर रहा हूँ, अरे आज मैं बड़ी फिल्म में काम कर रहा हूँ, अरे आई डोंट थिंक लाइक दैट। सो फॉर मी आई लव एक्टिंग। मुझे मुझे बहुत मजा आता है जब मैं कैमरे के सामने, मुझे एक्सप्रेस करने का, अलग अलग किरदार निभाने का वो एक मौका मिलता है। सो फॉर मी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको राइट राइट, एंटरटेन करना, आप लोगों को इनलाइटन करना, दैट्स माय जॉब।
राइट एंड ये जो जॉब आप कर रहे हो इसमें जो अलग अलग रोल्स आप प्ले करके हमको एंटरटेन करते हो, तो हाउ आर यू चूजिंग योर रोल्स? एंड फर्स्टली आर यू इन दैट फेज राइट नाउ वेयर तरुण एज एन एक्टर कैन से यार ये काम करूंगा और ये नहीं करूंगा? एंड इफ नहीं नहीं यस ऑफकोर्स देन इट इज हाउ आर यू सी चूजिंग? ऑफकोर्स इसी कभी क्या होता है ना, आई टेल यू, जब मेरे मेरे पहले 2-3 साल अच्छे नहीं गए इंडस्ट्री में, मैंने 3 फिल्में दिए थे, तीनों पिट गए बॉक्स ऑफिस पर, तो मैं डेस्परेट हो गया था टू बी ऑनेस्ट। ठीक ठीक ठाक ऑफर्स आ भी नहीं रहे थे, या हीरोइन का दोस्त, हीरो का भाई, वेरी वेरी लाइक यू नो लाइक दोस काइंड ऑफ रोल्स आई वाज गेटिंग। और तब मुझ में वो भूत घुसा था कि यार मैं सिर्फ मेन लीड्स करूंगा, मेन लीड्स करूंगा, मेन लीड्स करूंगा। एंड देन मेरी मुलाकात, मेरी इंट्रोडक्शन हो गई वेब सीरीज के साथ, जहां पे नॉर्मली कोई एक मेन लीड नहीं होता, ऑनसेम्बल होता है। आप सीक्रेट गेम्स, मिर्जापुर, पाताल लोक, इनसाइड एज, जितने भी शोज देखोगे उसमें ओके कुछ कुछ के कैरेक्टर्स और इंपॉर्टेंट है, बट बाय एंड लार्ज द इंटायर ऑनसेम्बल बहुत ही मायने रखता है। सो आई स्टार्टेड, आई चेंज द वे आई थॉट एंड आई टोल्ड माई सेल्फ कि यार तू 2 सीन में है ना, वो 2 सीन में फाड़ डाल, तू 10 सीन में है ना फाड़ डाल, ये मत सोच कि रोल बड़ा है। हाँ, रोल बड़ा या छोटा नहीं, रोल को यादगार बनाओ कि पिक्चर या शो खत्म होने के बाद भी लोग आपके बारे में बातें करें, चर्चा करें, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो फॉर मी दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अब अभी क्या है कि क्योंकि मैं एक्टर भी हूँ बट मैं ऑडियंस भी हूँ, मैं फिल्म्स भी देखता हूँ, मैं हर फिल्म देखता हूँ, मैं वेब सीरीज भी देखता हूँ, आई लव, आई एम अ सिनेफाइल, मैं सब देखता हूँ। तो अगर मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ और पहले 5 पेजेस में मुझे कंटाल आता है, या आई एम फीलिंग अ लिटिल रेस्टलेस, तो ऑब्वियसली राइटिंग इज ऑन द वॉल कि यार मुझे इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। कभी कभार मुझे ऐसे नरेशन दिए जाते हैं, 2 पेज का नरेशन, और मैं बिल्कुल हुक हो जाता हूँ उस दुनिया में, उन कैरेक्टर्स में, तो इट आई ऑलवेज लिसन टू माई हार्ट। पैसे के मामलों में मैं इधर तो से सोचता हूँ, फिल्म या रोल चूज करने के मामले में मैं दिल से सोचता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे डैड जो बिल्कुल, है एंड वो यही सिंधी है, रीजन था कि बजाओ क्योंकि मैं दिल्ली क्योंकि मेरे बॉय बन डैड जो गए। है हाँ वो सिंधी मैं है, भी कहने तो वाली उन थी मामलों में सिंधी, हाँ सिंधी ब्रेन, बट दिल है पंजाबी, क्योंकि मम्मी पंजाबी है। राइट, तो इसमें रति जी की कितनी आपको एडवाइस या यू नो एक जो उनका एक्सपीरियंस है वो ऑफकोर्स आपको मिलता ऑफकोर्स है? ऑफकोर्स सी आई फील ना निधि, मम्मी तो ऑब्वियसली मुझे एडवाइस करते हैं, बट एक्टिंग को लेकर इतना एडवाइस नहीं दे, बट जस्ट कि जिंदगी कैसे जी जाती है इस क्षेत्र में, इस फील्ड में। सो वो मुझसे हमेशा यही कहते हैं कि यार यू नो ये बड़ा ही रोलर कोस्टर जैसा जर्नी है किसी भी एक्टर के लिए। एक फ्राइडे आप ऊपर हो, दूसरी फ्राइडे आप नीचे आ गए, फिर आप ऊपर आ गए, तो कभी सक्सेस को दिमाग में मत जाने दो और कभी फेलियर को दिल पे मत लेने दो, क्योंकि रात जितना भी अंधेरा होगा सुबह इट हैज टू बिकम ब्राइट अगेन, देयर विल बी अ डॉन टुमारो। और कभी कभार क्या होता है ना, हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छा मैं ऐसे एक्टिंग करूंगा तो लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे, हम लोगों को कुछ पता नहीं, तो अपने फोकस पे प्रोसेस, अपने अपने प्रोसेस पे फोकस करो, अपने रिजल्ट्स पे फोकस मत करो, रिजल्ट्स खुद ब खुद आ जाएंगे। पहले मैं क्या करता था ना, अगर मुझे एक सीन दिया जाता था, हमने अच्छा इस लाइन को मैं इमोशनल तरीके से बोलूंगा, इस लाइन को इसमें मैं कॉमिक टच डालूंगा, सो आई मेड इट वेरी मैन्युफैक्चर्ड, वो दिल से नहीं आ रहा था, बनावटी लग रहा था। सो अब जब मैं एक्टिंग करता, मैं बोलता हूँ कि यू नो आई आई रेड दिस वेरी लवली लाइन, एक बार मैंने पढ़ा था, उसमें ऐसे कहा जाता है कि जिंदगी ऐसे जियो जैसे कि अभिनय कर रहे हो, अभिनय ऐसे करो जैसे कि जिंदगी जी रहे हो, सो दैट इज द मोटो ऑफ माई वाओ, लाइफ। या करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एंड मे यू कीप फॉलोइंग इट यार, क्योंकि फिर उसके बाद जो आप काम कर रहे हो ना वो ऐसा नहीं लग रहा कि एक्टिंग कर रहे हो, फिर हमको आपके जी, कैरेक्टर के एंड फाइनली नाम क्या भी है कि याद अभी आ अभी रहे हैं, किसी को हम मतलब, तरुण सी को निधि भूल क्या जा है ना, रहे हैं। किसी को मतलब नहीं है कि मैंने 4-5 साल पहले क्या किया, वन नाइट स्टैंड में काम किया, इनसाइड एज में काम किया, पीपल आर कंसर्न कि आप अभी क्या कर रहे हो। आई एम ओनली एज गुड और एज बैड एज माई लास्ट प्रोजेक्ट। हमारा जो अभी ये लास्ट प्रोजेक्ट है वही हमारा पोर्टफोलियो है, वही हमारा रेज्यूमे है, वही हमारा ऑडिशन है, अगर हम उसमें अच्छे थे तो हमें और काम मिलेगा, सिंपल सी बात करेक्ट। है। अच्छा आई ऑल्सो रिमेम्बर कि एक ये भी आपने कहा था कि यार एक एक दिली ख्वाहिश ये भी है कि मेरे को राइटिंग का और डायरेक्शन का शौक है, तो देयर जी मे जी और शुड कम अ डे जब मैं ऐसे इस डायरेक्शन के लेवल पे भी कुछ कर रहा हूँ। तो यार बात कुछ ऑफ आगे कोर्स बढ़ी ऑफ कोर्स तरुण। नहीं ऑफ कोर्स तो ये डेफिनेटली है मेरे जहन में। एक्चुअली मुझे कभी लगा नहीं कि मैं एक एक्टर बनूंगा, सच में, सच बताओ तो मैं थोड़ा शाय था, मुझे हमेशा से लगा कि मैं कैमरे के पीछे ही कुछ करूंगा। बट अभी क्या है ना कि एक्टिंग टचवुड अच्छा चल रहा है, मैं अभी बोट को रॉक नहीं करना चाह रहा हूँ, आई थिंक बहुत कुछ अभी बचा है सीखने के लिए, समझने के लिए, बहुत सारे अलग अलग किरदार है। जब मुझे लगता है कि मैं तैयार हूँ टू डू समथिंग एल्स, गो बियॉन्ड द कैमरा, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, तो मैं डेफिनेटली करूंगा, पता नहीं कब करूंगा, बट ये डेफिनेटली मैं जानता हूं कि मैं करूंगा ही, राइट, मुझे सो वी बहुत विल वेट बहुत फॉर मजा आता दैट। है। यू नो दैट दैट अमेजिंग फीलिंग निधि, जहां
आपके दिमाग में एक आइडिया है और उस आइडिया को लेकर आप उसे डेवलप करके एक दिन वो बड़े पर्दे पर आ जाता है. दैट इज द मोस्ट फैसिनेटिंग फीलिंग इन द वर्ल्ड. राइट एंड उसका भी वेट करेंगे एंड हु नोज यार, नेक्स्ट इंटरव्यू तरुण हम कर रहे हो, नॉट एज तरुण दी एक्टर बट तरुण एज द डायरेक्टर. यू नेवर नो, वेरी यू वेरी नेवर नो, पॉसिबल. लेट्स जी लेट्स थ्रो इट आउट इन द यूनिवर्स, द यूनिवर्स शुड गेट इट बैक टू यू. एब्सोल्युटली. पर मुझे आप ये बताओ कि अगर आप सम अप करो 2023 एज अ ईयर फॉर यू, हाउ डू यू सम इट अप? 2023 हैज बीन अ लैंडमार्क ईयर मेरे मेरी जिंदगी में. बहुत प्रोफेशनली भी मैंने धर्मा की फिल्म में काम किया इस साल. मैंने एक दो और अच्छे प्रोजेक्ट्स अपलॉस के लिए भी शूट किया. मेरी एक अच्छी रिलीज आई थी जियो पे बजाओ करके. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस साल मैं शादी करने जा रहा हूँ. आई एम विद द वुमेन ऑफ माई ड्रीम्स एंड आई फील कि यार जो द लक दैट अ लेडी ब्रिंग्स जब वो आपके घर में आती है, नथिंग कम्स क्लोज. तो आई थिंक माई ग्रेटेस्ट ट्राइम्फ 2023 या मोस्ट मेमोरेबल चीज ये है कि तानिया के साथ मेरी शादी होने जा रही है. पर ये जो मेरा नया ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ये लाइफ लॉन्ग चलेगा रहे, जिंदगी भर के लिए. एंड उसके लिए ये मैं बहुत ही इटर्निटी. एक्साइटेड हूँ. इसके बहुत सारे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आते रहेंगे. तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. सो इज योर ऑडियंस तरुण, बट जी क्या कहना चाहेंगे एज अ न्यू ईयर विश टू योर फैंस? well, मैं अपने सारे फैंस और वेल विशर्स को पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आपके जितने भी मैसेजेस या गुड विशेस या गुड वाइब्स आते हैं जो आप सोशल मीडिया पे मुझे भेजते रहते हो, मैं सब पढ़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इसलिए तो मैं एक्टर बना हूँ, आपके प्यार के लिए, आपके आपको एंटरटेन करने के लिए. एंड आज जब मैं देख रहा हूँ कि मेरी निजी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से यू गाइज आर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड सपोर्टिव ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. और मैं सबसे वादा करता हूँ कि 2024 में मैं आपको और एंटरटेन और इनलाइटन करने की कोशिश करूंगा. एंड इन द मीनवाइल प्लीज, अभी हॉलीडे सीजन है, क्रिसमस आने वाला है कुछ दिन में, जिसमें जिस दिन मेरी शादी होने वाली है, उसके बाद न्यू ईयर्स है. प्लीज एंजॉय योरसेल्फ, अपने वेल विशर्स, अपने परिवार वालों, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताओ. ये वक्त बहुत ही मायने रखती है, बहुत कीमती है. बट जो भी करो, किसी को ठेस मत पहुंचाना. डोंट डू एनीथिंग हार्मफुल, जस्ट एंजॉय, लिव एंड लेट लिव. आई लव यू गाइस. Right, and on that note, thank you so very much. Once again, congratulations, best wishes, थैंक यू and see देवी. you सी really, really, really very soon यू वेरी for वेरी another सून. interview. ऑलवेज लवली चैटिंग विद यू. Always lovely, same here, and it's always a pleasure. Bye bye. थैंक यू. बाय.